हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। बताइए क्या नाम है आपका सर, जो मड़ियाओं कोतवाली में आप आए? हमारा नाम अरुण कुमार गौतम है, हम ग्राम मणिपुर के रहने वाले हैं। हाँ, मिक्सर मशीन हमारे पास है। हाँ, और हम विजय ठेकेदार हमें बुलाए ढालने के लिए। हाँ, वहाँ गए ढालने के लिए। हाँ, ढलाई हो गया। हाँ, रात और दिन ठंड में आदमी काम किए। हाँ, जब हुआ काम खत्म हुआ, फिनिश हुआ, पैसे के लिए विजय शंकर गए, दो हम पैसा देंगे मशीन वाले को। तो पुलिस केस पे पूरा साइन ऑन इनका करवा रहे थे, पैसा दिए नहीं, साइन करोगे नहीं तो हम पैसा देंगे नहीं। हाँ, और उसमें हमारा पैसा भी वहाँ फंसा है और हमारी मशीन भी वहाँ फंसी है। आप किसके द्वारा गए थे वहाँ पर? विजय शंकर के, विजय शंकर भाई साहब के कहने पर आप गए थे? विजय गौड़ के, विजय गौड़ के कहने पर गए। तो वहाँ पर जब आप गए तो आपका पैसा नहीं मिला? नहीं, पैसा नहीं मिला। इनको कितना पैसा वहाँ मिला था? इनको 13,000 रुपया दे रहे थे, हमारा भी पैसा नहीं पूरा था, ये अपना कहाँ से दे पाएंगे। अच्छा अच्छा, ये इसलिए पैसा लिए नहीं और साइन करवा रहे थे, सोचे कि हमारा पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा, फंस जाएगा, इसलिए साइन नहीं किए। हमारा भी पैसा नहीं मिला और हमारा जो है जहाँ ठीका लिए है वहाँ करवा के पैसा देते नहीं बोल रहे। तो आप ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मणिपुर ग्राम सभा के रहने वाले। अच्छा, आप ढलैया का मिक्सर मशीन का ठेकेदार हैं जी। तो ये बताइए, आपका भी मतलब यही इनका ही साथ का विवाद है जी, मतलब वो आपका भी पैसा नहीं दिए, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम आपका चैनल हमें मतलब न्याय दिलवाए और हमारा पैसा मिले और इनका भी साथ में इनका भी पैसा मिले, दोनों जन का पैसा मिलना चाहिए जी, जरूर मिलना चाहिए। तो उसमें गरीब आदमी सब काम करने वाले हैं, 400 रुपया करने वाले, उनको एक रुपया भी नहीं मिला, अब वो परेशान है और हम देंगे कहाँ, इतने आदमी पैसा कहाँ से दे पाए। रोज आपके यहाँ रोज पहुँच रहे हैं लेबर मजदूर? पहुँच रहे हैं और मशीन हमारी वहीं खड़ी है। अच्छा, हमें पैसा मिला होता तो हम वहाँ से मशीन ले आते, कहीं और करवाते काम। अच्छा, हमारा अच्छा। वो कौन देगा पैसा जो नुकसान हो रहा, जहाँ हम काम लिए थे, मालिक हमें बिगड़ रहा है, सेंचिंग वाला ठेकेदार गाली दे रहा है कि हमारा काम लिए, अब काम नहीं डलवाए जी, ये सब बात है।